नमस्कार। जहां सच न चले वहां झूठ सही, जहां हक न मिले वहां लूट सही। आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान और मैं दिन भर की तमाम खबरों को लेकर आपके बीच आया हूं। और मुख्य खबर यह है कि 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब बहुमूल्य है मेरे लिए, मेरा मनोबल बढ़ाता है। मैं आपको अब पूरा न्यूज विस्तार से बता रहा हूँ। देश के 129 जिले ऐसे हैं जहाँ पर 3 मई के बाद भी लॉकडाउन नहीं खुलेगा, क्योंकि वह हॉटस्पॉट है। पूरे देश में 31,000 कोरोना मरीज पार कर गए, 1,000 से ज़्यादा मौतें हुई, 7,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना अब धीरे धीरे आम बीमारी की तरफ बनती जा रही है, उस पर कंट्रोल भी किया जा रहा है, केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जगह पर काफ़ी राहत भरी छूट मिली है। जहाँ जहाँ ये केस नहीं है वहाँ वहाँ लॉकडाउन खुलने के पूरे पूरे आसार हैं, जनजीवन सामान्य हो रहा है। रही बात ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सील है, जाम है, तो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि आपके इलाके में कोरोना पेशेंट हो, हॉटस्पॉट का इलाका हो, लेकिन पूरे देश में ऐसा नहीं है। बहुत सारे जगह कोरोना मुक्त हैं और सरकार जो है आपस में बातचीत कर रही है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि राज्य सरकार के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अगर उनके पास कोरोना के केस नहीं आ रहे हैं तो वो खोल सकते हैं, कुछ ऐसे काम खोल सकते हैं जहां पे इस प्रकार की बीमारी का संक्रमण फैलने का कोई भी रास्ता ना हो, तो इस तरह से आप खोल सकते हैं। देश के 129 जिला ऐसा पाया गया है जहां पर जून तक भी नहीं खोला जा सकता, क्योंकि वो हॉटस्पॉट है, वहां पे केसेस मिल रहे हैं। CBSE बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया। जो भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के छात्र हैं जिन्होंने 10वीं और 12वीं का एग्जाम दिया था, उनके एक दो पेपर बच गए थे, उन पेपरों में उनको पास कर दिया जाएगा। पास करने का क्राइटेरिया यह होगा कि उनके साल भर के जो यूटी टेस्ट होते हैं, जो छमाही तिमाही टेस्ट होते हैं, उससे ये अंदाज़ा लग जाएगा कि एवरेज मार्किंग कितनी पूरे साल में मिली है और इनको जो है पास कर देना चाहिए, क्योंकि उनको एग्जाम नहीं लिया जाएगा और सीधे कॉपी जांच होगी। रही बात ये कि दिल्ली के जो भी दंगा पीड़ित एरिया था वहाँ का जो छात्र कई विषय छूट गए थे उनका एग्जाम लिया जाएगा। रही बात ये कि जो 3 मई का लॉकडाउन का पूरा पूरा खुलने का आसार है, बहुत सारी राज्य सरकार ने बहुत सारा काम किया, जैसे कि योगी सरकार ने 36 नोडल अधिकारी अपॉइंट किए और उनके बकायदा मोबाइल नंबर, नाम, पदनाम सब दिए हैं। इन तमाम लिस्ट को मैं अपने वीडियो में, लंबा हो जाता मैं नहीं बता सकता, इसलिए मैंने पूरे लिस्ट को अपने फेसबुक के लाइक पेज, यानी RD भारती आप टाइप करेंगे फेसबुक पर, लाइक पेज चेक करेंगे, वहां पे वो लिस्ट आ जाएगा कि आपके जिला का आपका नोडल अधिकारी कौन सा है और कौन आपको हेल्प कर सकता है। आप जरूर विजिट करें, जरूर चेक करें। रही बात ये कि जब बिहार सरकार से सवाल किया गया कि सभी राज्य अपने अपने मजदूरों को ला रहे हैं, आपने अपने विधायक को परमिशन दिया, वो अपने बच्चे को ले आए, फिर गरीब मजदूरों को आपने क्यों छोड़ दिया, छात्रों को क्यों छोड़ दिया, कोटा के छात्र को, उन्होंने BBC तक का गुहार लगा दिया है। बिहार सरकार का जवाब यह था कि 12 लाख मजदूरों को हमने राशन दिया, हजार हजार रुपये उनके अकाउंट में डाल रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में जहां जहां मजदूर हैं उनकी पूरी सहायता दी जा रही है। आप लोग बेवजह सवाल करते हैं, आप मजदूरों से पूछिए, अगर ये बात सच है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको कितना राशन मिला, कितना पैसा मिला। अगर आप सूरत में हैं, पंजाब में हैं, दिल्ली में हैं, कहीं भी हैं, अगर आपको सहायता मिल रही है तो आप हमें जरूर बताएं। अगर सहायता नहीं मिल रही है तो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि बिहार सरकार का साफ कहना है
कि दिल्ली के अंदर जो फंसे हुए हैं, दिल्ली में हमारे बिहार भवन के नोडल अधिकारी उनका ध्यान रख रहे हैं। वो अपना नंबर जारी किए हुए हैं, बिहार भवन से हर जगह पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है, यह सरकार का कहना है। आपका क्या कहना है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे पास बिहार से कुछ अच्छी तस्वीरें भी आई है, कुछ अच्छी खबरें आई है। बिहार के सिवान की एक लड़की, जिसको हम बिहार की बेटी कह सकते हैं, लक्ष्मी, वो साक्षात लक्ष्मी है, क्योंकि कोरोना जैसे संकट में उसने मास्क बना बनाकर लोगों के बीच बांटा। बहुत सारी हो सकता है सहेलियों को उसने इकट्ठा भी किया हो, क्योंकि काफ़ी संख्या में उसने मास्क बनाकर और वितरण किया लोगों के बीच, महिलाओं के बीच जाकर उसने मास्क का वितरण किया। जहां पर नेता नज़र नहीं आते, समाज सेवी नज़र नहीं आते, अगर उसमें अगर एक लड़की निकलकर अपनी मेहनत से लोगों के बीच मास्क बांटे, तो ये प्रशंसा के योग है और हमें धन्यवाद देना चाहिए। बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह से खबरें आई है जहां से लोग बढ़ चढ़ कर कोरोना संकट में काम किया है, लोगों एक दूसरे को सहायता किया है, और ऐसे सहायता करने वाले लोगों की प्रशंसा जरूर होनी चाहिए। नमस्ते, लक्ष्मी कुमारी, अभी आप सभी देख रहे हैं कि बिहार राज्य में मास्क की अनिवार्यता बढ़ा दी गई है। सख्ती से आदेश है कि बिना मास्क के बाहर कोई ना जाए। तो हम सभी ने देखा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अभी भी मास्क उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए हम लोगों ने अपने घरों पर मास्क को सिलाई करके और उन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। हम सभी लगातार मास्क की सिलाई कर रहे हैं और उन तक पहुंचाने का जहां से जहां हमसे हो सकता है हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सभी से भी आग्रह है कि आप सभी भी मास्क की घर पर सिलाई करें, खुद स्वयं उसका उपयोग करें और दूसरों को भी उसको जिनको ज़रूरत है उनको उपलब्ध कराएं। और हमने अभी तक लगभग 1000 मास्क की सिलाई कर ली है और उसको वितरण भी करने का हमने शुरू कर दिया है। धन्यवाद। कल हावड़ा से एक खबरें आई कि जब पुलिस गई, डॉक्टर्स गए, तो लोग उनके ऊपर मारने के लिए दौड़े, टूट पड़े। ये खबरें चलने लगी और टीवी मीडिया के अच्छे अच्छे नामचीन पत्रकार उसको कॉमनल रंग देना शुरू कर दिए। कहने का मतलब यह कि वो बोलने लगे कि सफ़ेद कपड़े में है, देखिए इनके सिर पर टोपी है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मुस्लिम समाज से लोग भी सेवा में लगे हुए हैं। अभी कोरोना जैसे संकट में हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं है, और कम से कम पत्रकार तो ये काम ना करें, क्योंकि बहुत सारे जमात के लोग भी अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, और जब वो सामने कोई मौत हो उस वक्त हिंदू मुस्लिम नहीं देखते। कम से कम पत्रकार ये काम जरूर करें, लोगों को एकजुट करके रखें, क्योंकि इनका काम है आपस में भेदभाव नहीं कराना, लोगों को जोड़ कर चलना। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।